ओके तो द्रव्यगुण में मैं ये एक पेज ले लेती हूँ, इस पर ही मैं पढ़ा रही हूँ तुमको, तो इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। अभी देखो हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है, द्रव्यगुण। ओके तो पहले तो हमें द्रव्य मतलब क्या वो पता होना चाहिए, तो इसलिए इसमें पहले द्रव्य का डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो वो दिया है कि यत्राश्रिताः कर्मगुणाः समवायि कारणम् यत् तद्द्रव्यम्, मतलब जिसके आश्रय से, जिसके अंदर गुण और कर्म रहते हैं और जो इन दोनों का समवायि कारण है। अभी समवायि कारण मतलब क्या, कि इन दोनों का ये द्रव्य, ये सब्सटेंस से रिलेशन ऐसा होता है कि अगर द्रव्य नष्ट हो जाता है तो ये उसके अंदर के गुण और कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। मतलब उनका दोनों का रिलेशन जो है वो अनब्रेकेबल रिलेशन है दोनों के बीच में। तो ये अनब्रेकेबल रिलेशन, जो भी कोई सब्सटेंस या द्रव्य गुण और कर्म से रहता है उसे हम लोग द्रव्य कहते हैं। ओके फिर जैसे हमने पदार्थ विज्ञान में देखा था कि 6 पदार्थों का ज्ञान हमने लिया था, जिसमें द्रव्य मतलब क्या, गुण मतलब क्या, कर्म मतलब क्या। ओके फिर द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, ऐसे 6 भाव पदार्थ हमने स्टडी किए थे। तो द्रव्य मतलब क्या वो हमने देखा, फिर गुण मतलब क्या, तो द्रव्य के साथ जिसका समवाय रिलेशन है वो गुण, गुण्यते आमंत्रयते इति गुणः, सबके श्लोक डेफिनेशन के करने हैं। फिर ये गुण का डिस्ट्रीब्यूशन है कि 41 टाइप्स ऑफ गुण चरक ने भी बताए, सुश्रुत ने भी बताए। तो इसमें कुछ कुछ गुण जो है वो आत्मगुण है, जो हमें आत्मा से पता चलते हैं, ईर्ष्या मोह लोभ वगैरह वो वाले। फिर कुछ जो है वो 5 ज्ञानेन्द्रियों से जो पता चलते हैं वो, जिसे सार्थ गुण कहा जाता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो ये इस पे SEQ के क्वेश्चन आते हैं। फिर गुरुवादी गुण है, और द्रव्य गुण के लिए हम लोग देखे तो द्रव्य गुण में हमें ये गुरुवादी गुणों का इम्पोर्टेंस है, इसलिए गुरुवादी गुणों को डिटेल में दिया है, तुम्हारे नोट्स में भी है। तो गुरुवादी गुण मतलब 10 पेयर्स है ये अपोजिट गुण की, गुरु के अपोजिट लघु, फिर रुक्ष के अपोजिट स्निग्ध, गुरु लघु रुक्ष स्निग्ध मंद शीत खर सूक्ष्म चल अनिल। तो आ, आ, ये तो मैंने बात का श्लोक बोल दिया सॉरी, बट गुरु लघु रुक्ष स्निग्ध फिर शीत मंद शीत उष्ण फिर मंद तीक्ष्ण, तो ऐसे ही अपोजिट पेयर 10 पेयर है। तो इनका क्या इम्पोर्टेंस है, तो हर एक जो भी सब्सटेंस हम लोग सेकंड पेपर में देखने वाले हैं या देखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गुण रहते हैं। ओके क्योंकि ये क्यों पढ़ना है वो भी बताती हूँ, कि जब तुम कोई ड्रग स्टडी कर रहे हो, जैसे अश्वगंधा स्टडी कर रहे हो, तो फर्स्ट पेपर में क्या है, ये अश्वगंधा को जब हम लोग डिस्क्राइब करेंगे तो पहले तो हम उसका लैटिन नेम लिखेंगे। तो तुमको फर्स्ट पेपर में फैमिली क्या रहती है प्लांट्स की, फिर उसका फैमिली मतलब कुल क्या है, उसकी जाति क्या है, उसकी प्रजाति क्या है, वो सब डिटेल में हमको मतलब बॉटनिक दिया हुआ है, बॉटनी जो भी है, कौन से डाइकोटिलीडॉन है, यूनिकोटिलीडॉन है, कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका सब फैमिली क्या है। तो ये सब भी फर्स्ट पेपर में है। क्यों? क्योंकि कोई भी ड्रग स्टडी करते वक्त हमें उनका लैटिन नेम या उनका फैमिली या उनका गण डिस्क्राइब करना है। फिर फर्स्ट पेपर में हमको गणों की भी इंफॉर्मेशन दी है कि जीवनीय गण में क्या है, गृहणीय गण में क्या है, फिर वमनीय गण में क्या है, विरेचनीय गण में क्या है। तो ये 10 10 10 10 ड्रग्स की लिस्ट है। ओके तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग ये स्टडी करेंगे तो ये बिलोंग्स टू गृहणीय गण, तो हमें पता होना चाहिए कि गृहणीय गण में क्या है और गृहणीय गण के ड्रग्स क्या करते हैं। तो वो बॉडी में ग्रहण का काम करते हैं, मतलब धातुओं को बढ़ाते हैं। ओके
ये जीवनी अगर के द्रव्य भी धातु को बढ़ाएंगे लाइफ के लिए, ये इम्पोर्टेंट है जीवन के लिए। तो ऐसे हर एक गण का इम्पोर्टेंस है, वो हर एक गण में 10-10 ड्रग है, तो उसमें से जो मेन मेन गण है उनको हमें ध्यान में रखना है, जैसे विरेचन वाला, बस्ती वाला, गृहणीय, जीवनीय, दशमूल। दशमूल में कौन 10 ड्रग के रूट्स आ रहे हैं, तो ऐसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट गण ध्यान में रखने। तो गण का भी एक चैप्टर है द्रव्यगुण फर्स्ट में। ओके, फिर हम लोग लैटिन नेम देखा, फिर उसका गण देखा, फिर हम उसके सिनोनिम्स देखते हैं। तो सिनोनिम्स मतलब क्या, उसके पर्यायी नाम। तो ये पर्यायी नाम जो है उसके जो भी कार्यकारी अंग हम लोग यूज करने वाले हैं, मतलब जो मेडिसिन में यूज करने वाले हैं उसका पार्ट उसके अकॉर्डिंग रहेंगे, या उसके कुछ स्पेशल फीचर्स के अकॉर्डिंग रहेंगे, या वो जिस जगह पे मिल रहा है वो लोकेशन के अकॉर्डिंग उसके नाम रहते हैं। ओके, फिर सिनोनिम्स हो गया, गण हो गया, फिर आएगा तुम्हारा रस या उसके गुण। इसमें कौन से गुण है, तो गुरु, लघु, चित, रुक्ष, स्निग्ध, मंद, तीक्ष्ण, उष्ण, उसमें से ये कौन से गुणों का है वो हमें मेंशन करना जरूरी है, इसलिए गुण चैप्टर दिया गया है। और वो गुण चैप्टर में फिर सब डिटेल में गुरु गुण क्या करता है, तो शरीर में गुरुत्व का काम करता है या शरीर घटक को बढ़ाता है। फिर ये गुरु गुण क्या करेगा, तो कफ को बढ़ाएगा और वात को कम करेगा। उल्टा बोला कि बराबर बोला, बराबर बोला ना। गुरु गुण से क्या होगा, कफ वृद्धि होगी और वात का क्षय होगा। तो इसलिए ये पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब हमें गुण स्टडी करने। फिर ये गुरु गुण वाले ड्रग्स कौन से है उसके 2-3 नाम पता होने चाहिए हमको। ओके, फिर वैसे ही लघु गुण, लघु गुण क्या करेगा, बॉडी में वात को बढ़ाएगा और कफ को कम करेगा। तो इनका इम्पोर्टेंस यहाँ पे है, जब हम लोग ड्रग स्टडी करेंगे तो उसके जब हम लोग फंक्शंस देखेंगे तब ये गुणों से उसके फंक्शंस हम लोगों को लिखने रहते हैं। तो गुण चैप्टर में जो गुरुवादी गुण दिए गए 20 उसको डिटेल में दिया है तुमको, वो LAQ के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, फिर गुण हो गया, फिर क्या आता है, रस आता है। तो 6 टाइप के रस है, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ओके, मधुर, आम्ल, अभी थोड़ा सा रब करती हूँ मैं अभी, जैसे हम लोग रस के बारे में, हमारा चैप्टर है रस। ओके, द्रव्यगुण फर्स्ट, तो उसके बारे में सोचेंगे हम लोग। तो मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ये 6 टाइप के ही रस रहते हैं हमेशा। ओके, तो ये 6 टाइप के रसों की पिक्युलैरिटी क्या है, तो ये जो पहले 3 है वो क्या करते हैं, कफ को बढ़ाते हैं, एट द सेम टाइम ये वात को कम करते हैं। फिर ये जो है वो कफ को कम करते हैं, कटु, तिक्त, कषाय, और वात को बढ़ाते हैं। फिर कषाय मधुर और आम्ल, नहीं, तिक्त मधुर और आम्ल, तिक्त मधुर और आम्ल पित्त को बढ़ाएंगे, नहीं नहीं ना, तुम बोलती नहीं हो कुछ। मधुर, आम्ल, लवण, लवण, कटु और आम्ल रस जो है वो पित्त को बढ़ाएंगे और रिमेनिंग जो 3 है वो पित्त को कम करेंगे। तो रस के बारे में हमें पढ़ना है कि मधुर रस स्कंद के जो ड्रग्स है वो क्या काम करते हैं, तो वो क्या करेंगे, तो मधुर जो है वो अगर हम उसका कंज्यूम करेंगे तो हमारे मुंह में स्वीट टेस्ट आएगी। ओके, फिर ये जो मधुर गण के द्रव्य है वो बॉडी में ग्रहण का काम करते हैं, वो क्या करेंगे, कफ दोष को बढ़ाएंगे, वात दोष को कम करेंगे, ऐसा उसका डिस्क्रिप्शन करना है। फिर ये मधुर स्कंद द्रव्य के नाम लिखने हैं तुमको कि कौन से ड्रग स्वीट टेस्ट के होते हैं, तो उसमें आता है घी आता है अपना, फिर बहुत सारे ड्रग आते हैं, शतावरी, अश्वगंधा,
फिर मंजिष्ठा, जो जो मधुर ड्रग्स होंगे जितने नाम याद आएंगे उतने सब लिखना, शर्करा, गुड़, हनी, ये सब मधुर वाले ड्रग्स है। वैसे ही फिर आमला, आमला का डिस्क्रिप्शन, वैसे ही फिर कटु का डिस्क्रिप्शन, वैसे ही तिक्त का, वैसे ही कषाय का, ये रस चैप्टर में आएगा। ओके, तो ये हो गया रस पॉइंट, कषाय, तिक्त और मधुर क्या करेंगे, पित्त को कम करेंगे, और कटु, आम्ल और लवण रस पित्त दोष को बढ़ाएंगे। तो जब हम ड्रग्स देख रहे होंगे, द्रव्य देख रहे होंगे एक्चुअल, तो अगर कोई ड्रग कटु या आम्ल लवण रस का है, कटु आम्ल रस का है, तो वो क्या करेगा, पित्त प्रकोप का काम करेगा। तो हमें क्या करना है, अगर कोई डिसऑर्डर है जहाँ पे हमें पित्त दोष को कम करना है, उधर हम ऐसे ड्रग नहीं यूज करेंगे। ओके, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, पित्त को और बढ़ा देंगे वो, तो इसलिए रस का इम्पोर्टेंस है। फिर हो गया द्रव्य, हो गया गुण, हो गया रस, हो गया, फिर आता है वीर्य। वीर्य मतलब पोटेंसी। हर एक ड्रग के अंदर दो टाइप की पोटेंसी रहती है, आइदर उसका इफेक्ट बॉडी में कोल्डनेस लाता है या उसका इफेक्ट बॉडी में हॉटनेस जनरेट करता है। ओके, जिसे शीत वीर्य और उष्ण वीर्य ड्रग्स कहा जाता है। अभी ये जो शीत वीर्य ड्रग्स रहते हैं वो वात और पित्त कफ दोनों को बढ़ाने का काम करेंगे और पित्त को घटाएंगे, क्योंकि पित्त की अपोजिट प्रॉपर्टी है उसमें। और उष्ण वीर्यात्मक ड्रग्स जो है वो पित्त को बढ़ाएंगे और वात और कफ को कम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें वात व्याधि की ट्रीटमेंट करनी है तो हम ऐसे ड्रग चूज करेंगे जो मधुर है, क्योंकि वो वात को घटाएंगे। ओके, मधुर, आम्ल, लवण, गुण वाले हैं और जिनका वीर्य उष्ण है, ऐसे ड्रग हम मेनली चूज करेंगे फॉर वात व्याधि। जिनका वीर्य शीत है, जो कटु तिक्त कषाय रस वाले ड्रग्स है, वो हम लोग नहीं यूज करेंगे, क्योंकि वो वात को और बढ़ाएंगे। तो इसलिए पोटेंसी का भी ज्ञान होना जरूरी है। और जब हम हमारा अश्वगंधा डिस्क्राइब कर रहे थे तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वीर्य, मतलब पोटेंसी उसकी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है विपाक। तो विपाक मतलब क्या, उसकी डेफिनेशन, वीर्य मतलब क्या उसकी डेफिनेशन, वो भी इम्पोर्टेंट है, और उसके टाइप, सब ऐसे क्यू के क्वेश्चन है ये। फिर गुरुवादी गुण जो है उसमें वो एले क्यू का क्वेश्चन है। फिर आएगा नेक्स्ट पॉइंट विपाक। अभी कोई भी ड्रग डिस्क्राइब करने के वक्त के भी पॉइंट हमारे चल रहे हैं कि उसका लैटिन नेम लिखा, फिर उसके सिनोनिम्स लिखे, फिर उसके गुण लिखे, फिर उसका प्राप्ति स्थान भी लिखते हैं, मतलब वो कहाँ पे मिलता है वो भी लिखते हैं हम लोग। फिर उसका वीर्य, फिर उसका विपाक अभी आएगा। तो विपाक मतलब क्या, फाइनल टेस्ट आफ्टर डाइजेशन। और ये विपाक जो रहता है वो तीन टाइप का रहता है, मधुर, अभी आम्ल लिखा गया मेरे से पहले, मधुर, आम्ल और कटु। तो ऐसे रहता है कि जो आम्ल रसात्मक ड्रग रहते हैं उनका विपाक आम्ल रहता है, जो मधुर और लवण रस के ड्रग्स है उनका विपाक मधुर रहता है, और जो कटु तिक्त कषाय रस के ड्रग रहते हैं उनका विपाक कटु रहता है। तो अभी जैसे तुम लोग कोई भी ड्रग डिस्क्राइब कर रहे हो तो तुम उसके रस से उसका विपाक जज कर सकते हो, मोस्टली सेम ही रहता है। कुछ कुछ ही ऐसे ड्रग्स है जो भाई ये रस के है पर उनका विपाक जो है वो मधुर आएगा या डिफरेंट आएगा। ओके, तो रस से हम लोग विपाक लिख सकते हैं, मतलब उसको भी रटने की जरूरत नहीं पड़ती। जो ज्यादा मधुर लवण रसात्मक ड्रग्स है या मधुर रसात्मक ड्रग है तो उसका विपाक मधुर आएगा, कटु तिक्त कषाय रस के ड्रग्स है तो उनका विपाक कटु आएगा। तो ये हो गया विपाक, फाइनल टेस्ट आफ्टर डाइजेशन। तो ये भी द्रव्यगुण के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फिर आता है प्रभाव। तो प्रभाव मीन्स स्पेशल पावर रहती है हर एक ड्रग, कोई कोई ड्रग के अंदर, जो अपने रस, गुण, वीर्य, विपाक, इन सबको छोड़ के कुछ अलग ही काम करते हैं। मतलब अगर हम
हमको ऐसे लगता है कि रस से ये कफ को बढ़ाना चाहिए, गुण से भी ये कफ को बढ़ाना चाहिए, वीर्य से भी, बट वो कफ को घटाने का काम कर देगा। मतलब वो अलग ही कुछ तो बोलते हैं ना कि बहाव के अपोजिट बहना, समथिंग लाइक दैट। तो वो जो उसका स्पेशल पावर है कुछ कुछ ड्रग का, दैट इज कॉल्ड एज प्रभा। तो अभी ये क्यों स्टडी करना है, ये क्यों लिखना है कोई भी ड्रग को डिस्क्राइब करते वक्त? तो जब हम ये ड्रग्स को मेडिसिन बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, या हम लोग उसको डिसीज को ट्रीट करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो कभी कभी हम लोग ऐसे ड्रग्स चूज करते हैं जो उनके रस से काम करते हैं। क्योंकि ड्रग्स जो रहते हैं वो आइदर उनके रस से, या उनके गुणों से, या उनके वीर्य से, या उनके विपाक से, या उनके प्रभाव से काम करते हैं। ओके, इसलिए द्रव्य का रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, ये सब चीजें स्टडी करना जरूरी है। इसके साथ साथ और क्या है द्रव्य गुण में, तो हमें बृहत्त्रयी के बारे में दिया गया है। अभी ये बृहत्त्रयी जो है उस पर भी LAQ पूछा जाता है। बृहत्त्रयी मतलब बड़े तीन श्रेष्ठ हमारे आयुर्वेदाचार्य कौन है, वो चरक, सुश्रुत और वाग्भट। ये पूरा थेरोटिकल पार्ट है, तो ये इस पे LAQ पूछा जाता है। फिर लघुत्रयी के बारे में भी SAQ के लिए पूछा जा सकता है। तो लघुत्रयी में फिर कौन आता है, तो बहुत सारे हैं, फिर चक्रपाणी दत्त के शारंगधर और वो सब, मतलब जो छोटे छोटे ऑथर है या इनके ग्रंथों पे जिसने प्रतिसंस्करण किया है या फिर से कुछ तो नया पॉइंट ऐड किया है, तो वो सब लघुत्रयी में आते हैं। फिर इनके टीकाकार भी तुमको है कि नहीं मुझे पता नहीं, एक मिनट मुझे PDF चेक करने दो। एक मिनट हाँ दिव्या, चालू रखना। फिर हमने वो भैषजे में देखा था दीपन और पाचन, दो टाइप के कर्म देखे थे। तो दीपन ड्रग्स जो रहते हैं वो आम जो दोष रहता है हमारा उसको डाइजेस्ट नहीं करते, वो सिर्फ क्या करते हैं, अग्नि का इफेक्टिवनेस बढ़ाते हैं। ओके, और पाचन ड्रग क्या करते हैं, वो पचन का काम करते हैं, मतलब वो आम को भी डाइजेस्ट करेंगे। इसलिए हम लोग ये दीपन पाचन ड्रग्स जो रहते हैं वो साथ में यूज करते हैं। फिर संशमन एंड शोधन, ऐसे दो टाइप के फंक्शन रहते हैं। तो संशमन में क्या करते हैं हम लोग कि जो भी थोड़े से बड़े हुए दोष रहते हैं उनको हम लोग मेडिसिन से नॉर्मल लेवल पे लाते हैं, और शोधन में क्या करते हैं हम लोग जो शाखा में चले गए दोष रहते हैं उनको पहले कोष्ठ में लाते हैं बाय स्नेहन स्वेदन,
और फिर उनको जो भी नियर का एक्सक्रीटरी रूट है उससे हम लोग उसको बाहर निकलते, मतलब आइदर वमन से या आइदर विलेचन से या आइदर बस्ती से हम उसको बाहर निकालेंगे। लेखन मतलब क्या, स्क्रैपिंग वगैरह तुमको पता है। ओके okay. बाकी तो और क्या है इसमें। हाँ अभी जो ड्रग्स है उसके टाइप रहते हैं, मतलब जैसे द्रव्य प्रकार अगर हम बोलने जाएं तो स्थावर और जंगम, ऐसे दो टाइप के ड्रग हैं। स्थावर मतलब जिनका सोर्स प्लांट है और जंगम मतलब जिनका सोर्स एनिमल है। ओके फिर आहार द्रव्य और औषध द्रव्य ऐसा भी उसका एक क्राइटेरिया किया गया है और वही तुमने मुझे भेजा था। ओके तो औषध द्रव्य में फिर वो आएगा सब, दीपनीय पाचनीय ग्रहणीय विरेचनीय वमनीय वो सब गण उसमें आएंगे। और आहार द्रव्य के बारे में अगर हम सोचे तो इसके 6 सब टाइप है। ओके तो इसमें क्या क्या है, शुक्र धान्य शिंबी धान्य फिर मांस वर्ग फल वर्ग दुग्ध वर्ग मूत्र वर्ग, तो इनपे भी LAQ पूछा जाता है। फिर शुक्र शिंबी मतलब क्या, तो यूनिकॉटिलीडॉन डाइकॉटिलीडॉन फ्लेश वाला सब, तो उसमें फिर वो तुमने जो भेजा है उसमें अनुप प्राणी जंगल प्राणी तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो ये पूरा आहार वर्ग पे एक LAQ पूछा जा सकता है। फल वर्ग में कुछ कुछ फ्रूट्स है उनके गुण दिए गए हैं उनका क्या इफेक्ट होता है बॉडी पे वो है। दुग्ध वर्ग में एक टाइप के एनिमल है जिनका दूध हम लोग यूज करते हैं ट्रीटमेंट में, मूत्र में भी एक टाइप के एनिमल्स है उनका मूत्र श्रेष्ठ माना जाता है। तो जैसे गोट का है तो वो क्षय रोग में काम करता है, फिर जैसे बफेलो का मिल्क है तो वो निद्रल है। ओके तो ऐसे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिटेल में LAQ के लिए कोई भी क्लास इनमें से पूछ सकते हैं वो लोग, तो हमें आना चाहिए शिव धारने से। मिश्रक बोल बोल क्या गण आपको कुछ क्या आइडिया? मिश्रक गण हेलो का आइडिया? मिश्रक गण मुझे नहीं सुनाई दिया। हेलो एक सेकेंड मैम, हाँ मैं टाइप कर रही हूँ। थोड़ा जोर से बोल लो मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। मिश्रकगण, मिश्रक अभी डिटेल में तो मुझे नहीं आ रहा है वैसे उसमें क्या है। क्या है उसके डिस्क्रिप्शन में? वो तो तुम्हारे PDF में भी मुझे नहीं दिख रहा है। कहाँ पे है, कहाँ पे है? मिश्रकगण अनुभिदागण वेजिटेबल ओरिजिन बृहत पंचमू लघु पंचमू कंटक पंचमू वही है वो। दिव्या मिश्रकगण मतलब क्या, जिसमें स्थावर भी इंक्लूड होगा मतलब प्लांट सोर्स भी इंक्लूड होगा एनिमल भी सोर्स इंक्लूड होगा और मिनरल ओरिजिन भी इंक्लूड होगा, और उनको टोटल तीनों को मिला के मिश्रक गण बोला है क्योंकि मिश्र मतलब क्या कॉम्बिनेशन, ये एक टाइप का क्राइटेरिया ही है क्लासिफिकेशन का। जैसे मैंने बोला ना प्लांट्स
वाला जो गण है उसमें फिर सब आएगा, वेजिटेबल ओरिजिन है वो, तो उसमें सब आएंगे, फिर लघु पंचमू, बृहत पंचमू, उपवीश, फिर चतुर्भिज, षडुषण, और इनपे दो दो मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंचकोल मतलब क्या, पंचलवण मतलब क्या, पंचमूल में कौन आएगा, जीवनीय में कौन आएगा, बृहणीय में कौन आएगा, वो मैंने पहले ही बताया तुमको पहले डिस्क्रिप्शन में, और एनिमल सोर्स का फिर वो डिस्क्रिप्शन है, शिराष्टक, मूत्राष्टक, वही जो मैं अभी बोला वो। ओके, फिर मिनरल सोर्स में कौन आएगा, तो लवण वर्ग आएगा पूरा, फिर क्षार द्रव्य आएंगे, क्षाराष्टक आएंगे, एक टाइप के क्षार द्रव्य श्रेष्ठ है, तो उनका यूज कहाँ पे होता है, लेखन कर्म करने के लिए होता है, स्क्रैपिंग के लिए होता है, तो वो सब उनके प्रॉपर्टीज, उनका ये डिटेल में दो दो मार्क्स के लिए पूछा जाता है। एलएक्यू, अगर फर्स्ट पेपर में एलएक्यू की बात करोगी तो एलएक्यू किससे आएगा वो एक बार बता देती हूँ, बृहत्त्रयी या लघुत्रयी जो है उनपे एलएक्यू पूछा जाता है। ओके, कंपलसरी एक एलएक्यू उनपे आएगा। फिर आहार द्रव्य का ये जो क्लासिफिकेशन दिया है उसपे एलएक्यू पूछा जा सकता है। देन तुम्हारा गुरुवादी गुण जो है उसपे एक एलएक्यू आ सकता है। ये सब एलएक्यू वाले क्वेश्चन है। ओके, एसएक्यू किस पे आएंगे, तो एसएक्यू को बहुत सारे ऑप्शन है, आइदर तुमको विपाक मतलब क्या, कौन से तीन टाइप के विपाक उस पे पूछा जाएगा, और हाँ रस स्कंद जो है उस पर भी एलएक्यू आ सकता है, मतलब मधुर रस, कटु रस, फिर उसके योग अति योग के लक्षण, फिर उसके स्कंद द्रव्य, फिर उसके प्रॉपर्टीज, वो सब जो डिटेल है उस पे भी एलएक्यू आ सकता है, मतलब रस पे एलएक्यू आ सकता है, गुण पे एलएक्यू आ सकता है, और आहार द्रव्य पे और बृहत्त्रयी लघुत्रयी पे, ये तीन चार पॉइंट्स जो है वो एलएक्यू के क्वेश्चन है। एसएक्यू के लिए बहुत सारे, फिर विपाक, वीर्य, कर्म का डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उपयुक्त अंग पे लिखो, फिर वो जो फैमिली और सब फैमिली और वो सब है उस पर एसएक्यू पूछ सकते हैं बोलो, तो एसएक्यू बहुत सारे हैं इसमें। ओके, और फिर सेकंड पेपर का यही सब पॉइंट जो फर्स्ट पेपर में अलग अलग चैप्टर्स में दिए गए हैं वही हमको ऐसे चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके ड्रग्स को उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, कि कोई भी ड्रग लिया हमने उसका नाम इधर लिखा, फिर उसका लैटिन नेम लिखो, फिर उसका कौन सा अंग यूज कर रहे हो वो लिखो, फिर उसके सिनोनिम्स लिखो, फिर वो कहाँ से मिलता है प्राप्ति स्थान लिखो, रस, गुण, कर्म, वीर्य, विपाक, फिर उसका ये मतलब कल्प, कौन से फॉर्मुलेशन उनसे बनते हैं, तो ये डिटेल में इतना पूरा हर एक ड्रग का हमें लिखना पड़ता है, जो पॉइंट्स फर्स्ट पेपर में हम लोग पढ़ेंगे वही पॉइंट्स हमको सेकंड पेपर में हर एक ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन में या हर एक ड्रग के डिस्क्रिप्शन में लिखना है। ओके, फिर उसमें हमको उसका गण भी लिखना पड़ता है कि वो विदारी कंद गण में का है, या जीवनीय गण का है, या बृहणीय गण का है, कौन से गण का है, व्यवस्थापन गण है, रसायन गण है, वाजीकरण गण है, वो जो काम करेगा उसके अकॉर्डिंग उसके गण में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया रहता है। ओके, और इन सब का यूज फिर हमको ड्रग्स बनाने के लिए, अलग अलग मेडिसिन बनाने के लिए, या अलग अलग डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए उसका यूज होता है। समझ में आया? हाँ, और तुम्हारे दोनों भी नोट्स अच्छे हैं, तुम किसी भी एक नोट्स में से हाँ करो, हाँ बुक खोलोगी अभी तो भी चलेगा, क्योंकि नोट्स तुम्हारे परफेक्ट है, वो वही उतना ही हमें पढ़ना है। ओके, क्योंकि अपने पास टाइम कम है अभी, और वीर्य, हाँ विपाक, रस, ये सब चीजें हमने अष्टांग में पढ़ी हुई है, अगर अष्टांग संग्रह में अच्छे से पढ़ा है तो उसी को इधर अप्लाई करो, क्योंकि वो सेम है, पदार्थ में हमने पढ़ा, अष्टांग में हमने पढ़ा, और वही द्रव्य गुण में भी है फर्स्ट पेपर में, और सेकंड पेपर में वही पॉइंट्स को लेके हमें ड्रग्स को डिस्क्राइब करना है। तो मैंने तुमको वो नहीं भेजा था ना इम्पोर्टेंट ड्रग्स का लिस्ट, तो मैं भेज देती हूँ तुमको। हाँ, और अभी रस में या भैषज में कोई प्रॉब्लम होगा तो यू कैन आस्क मी, नहीं तो फिर पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट, और जो भी डाउट रहेगा वो पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और तुम बोलोगे तो कल सिर्फ क्वेश्चन पेपर जो रस और भैषज के भेजे थे उस पर एक बार हाँ डिस्कशन कर लेंगे, और फिर तुम तुम्हारा तुम्हारा पढ़ाई करो ये 8 दिन,
अगर कोई डाउट आता है तो बिंदास पूछ लो. ओके कल कल एक बार ले लेंगे वो क्वेश्चन पेपर पे भी डिस्कशन कर लेंगे और फिर कल का सेशन लास्ट रहेगा अपना. फिर अगर कुछ डाउट रहेगा तो ही हम लोग लेंगे फिर. हाँ तो अच्छे से पढ़ाई करना और कुछ डरना मत घबराना मत.